जांजगीर चांपा के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा की पुत्री इशिका शर्मा, जो कि YouTube चैनल की एंकर थी, उसकी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वह इशिका शर्मा से प्यार करता था। इशिका शर्मा किसी और लड़के को पसंद करती थी, जिससे नाराज होकर आरोपी रोहन पांडू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। वहीं अपने साक्ष्य को छुपाने की भी कोशिश की थी। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। परसों दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक जो व्यक्ति का शव ब्रेक सिटी कॉलोनी में है, और सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी, और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टि ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है, और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था।